बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने आज यानी 19 नवंबर को इस्तीफा दे दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने मंत्री बनने के केवल 3 दिन बाद ही इस्तीफा दिया। तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर सरकार की घेराबंदी एक बार फिर तेज कर दी थी। मुख्य विपक्षी दल राजद समेत कई दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की थी। बता दें कि नवनिर्वाचित जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने राज्य की तारापुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। उन्हें पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। राजनीति में प्रवेश से पहले मेवालाल भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में धांधली और FIR दर्ज किए जाने के मद्देनजर चौधरी को साल 2017 में नीतीश कुमार की सरकार से निलंबित कर दिया गया था। ये मामला साल 2012 में असिस्टेंट प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति में कथित अनियमितता से संबंधित है। बता दें कि भाजपा उस समय विपक्ष में थी और तब चौधरी के खिलाफ मुद्दे को उठाया था। तब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में आरोपी चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया। वहीं कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि मेवालाल चौधरी जैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही छवि धूमिल की है। उधर मंत्री से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। वहीं उनके निजी सहायक अभिषेक कुमार ने कहा कि केवल अदालत तय करेगी वो दोषी हैं या नहीं। वहीं बिहार के नए शिक्षा मंत्री से पूछताछ के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास ने DGP SK सिंगल को चिट्ठी लिखी है। उल्लेखनीय है कि तारापुर के नवनिर्वाचित जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।